ऑडियंस पागल हो गई जब हमें वेनम 3 के अंदर थैनोस का भी बाप नल को दिखाया गया। मैं तुम्हारी दुनिया खाक कर दूंगा। इसके अलावा भाई मूवी में काफी तगड़े तगड़े मूवमेंट्स थे जिनमें से आज हम टॉप 17 मूवमेंट्स की बात करेंगे। नंबर 17 नल स्टार्टिंग सीन। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें कई सारे एलियंस के बीच में नल बैठा हुआ दिखाई देता है और भाई इसका जो लुक और अपीयरेंस दिखाई जाती है भाई इस सीन में काफी तगड़ी लगती है देखने में। इस सीन को देखने के बाद भाई नल का ऑरा तो भाई इन्फिनिटी तक पहुंच गया और भाई नल के जो क्लोजअप शॉट्स दिखाए जाते हैं ना भाई काफी तगड़े लगते हैं क्योंकि उनमें जब वो बैठा हुआ होता है और उसके बाल उसके आंखों के आगे से आ रहे होते हैं भाई यार कितना खतरनाक विलन लगता है। और तुम्हें मैं बता दूं नल ही वो अंधकार का राजा है जिसमें से सिम्बियोट बनाता मतलब अपना वेनम बनाता। इस सीन के दौरान हमें नल की थोड़ी बहुत स्टोरी का भी एक आइडिया हो जाता है। फिर नल वहां से एक पोर्टल खोलता है जिसमें से वो अपना एक एलियन भेज देता है वेनम को मारकर उस पे से कोडेक्स लेने के लिए। नंबर 16 वी आर वेनम। तो स्टार्टिंग में ही एडी को पीटने के लिए कुछ गुंडे आ जाते हैं जहां पर वो अचानक से वेनम में ट्रांसफॉर्म होता है और सबको पीटने लग जाता है। इस सीन में जो फाइट दिखाई गई है मैं ये नहीं बोलूंगा काफी तगड़ी फाइट दिखाई गई लेकिन हां फनी वे में दिखाई गई है। जिसके बाद गुंडे एडी ब्रॉक से पूछते हैं कि भाई तू है कौन तू क्या चीज है तो वो बोलते हैं वी आर वेनम। अब ये सीन काफी फनी वे में दिखाया गया लेकिन भाई इस सीन की जो इंटेंसिटी है वी आर वेनम कहने की वो काफी तगड़ी लगती है। जिसके बाद भाई वेनम सारे गुंडों का सर खा जाता है। वेनम एयरप्लेन सीन। मूवी के बीच में एडी ब्रॉक वेनम से पूछता है क्या तू उड़ सकता है तो अचानक से हमें एक सीन दिखाया जाता है नोवेयर पता नहीं कहां से जहां पर हमें भाई एडी उड़ता हुआ दिखता है एयरप्लेन के ऊपर जिसमें वो पूछता भी है कि ये तू क्या कर रहा है तो वेनम रिप्लाई देता है तूने ही तो कहा था उड़ के दिखा। अगर तुमने इस सीन को 4DX सिनेमा में देखा हो तो भाई तुम्हारे मजे आ गए होंगे। अब जिनको नहीं पता 4DX क्या है तो भाई एक बार सिनेमा में जाके देखना 4DX वाले में और भाई मैं बोलूंगा हॉलीवुड मूवीज ही देखना उसमें जाकर। अब एयरप्लेन के ऊपर जब एडी ब्रॉक परेशान हो रहा होता है वेनम उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके बाद नल ने जो एलियन भेजा था वो वेनम को लोकेट कर लेता है क्योंकि उस एलियन को वेनम तभी दिख सकता था जब एडी ब्रॉक वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब वेनम वहां पे काफी ज्यादा डर जाता है उस एलियन से और वहां से छलांग लगा देते हैं एडी ब्रॉक और वेनम वहां से पैरासूट बन जाता है एडी ब्रॉक को नीचे उतार देता है। नंबर 14 वेनम एक्सप्लेनिंग कोडेक्स। जब वेनम और एडी एयरप्लेन से नीचे आ जाते हैं तो वेनम कोडेक्स के बारे में बताता है एडी ब्रॉक को जिसमें वेनम ये बताता है कि जिस भी सिम्बियोट का एक होस्ट होता है अगर वो मर जाए और वेनम उसे जिंदा कर दे अब उस होस्ट के पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसका नाम होता है कोडेक्स जिस कोडेक्स की मदद से नल अपने आप को पावरफुल कर लेगा और सारे यूनिवर्स पे राज कर लेगा। अब अगर तुम्हें याद हो तो पिछली वेनम मूवी में एडी ब्रॉक एक बार मर चुका था जिसको वेनम ने बचा लिया था जिस वजह से एडी ब्रॉक के अंदर कोडेक्स आ जाता है। अब ये कोडेक्स तभी लोकेट होता है उन एलियंस के द्वारा जब एडी ब्रॉक वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नंबर 13 डिटेक्टिव मुलिगन ट्रांसफॉर्मेशन। अब पिछली मूवी से ये जो कैरेक्टर है डिटेक्टिव मुलिगन इसको साइंटिस्ट अपनी लैब में पकड़ लेते हैं और दुनिया से कह देते हैं कि ये मर चुका है। अब ये जो डिटेक्टिव होता है इसके पास भी एक सिम्बियोट होता है जिससे वेनम बन जाता है। अब ये जो सीन है जिसमें ये ट्रांसफॉर्म होता है भाई काफी तगड़ा लगता है और ये वेनम कितना प्यारा लगता है देखने में जिसको ये लड़की देख के कहती भी है कि ये कितना प्यारा लग रहा है। नंबर 12 एडी ब्रॉक कैसीनो सीन। जब एडी ब्रॉक और वेनम मिलिट्री वालों से भाग रहे होते हैं तो वो एक होटल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन होटल वाला उन्हें अंदर नहीं आने देता उनके कपड़ों की वजह से। जिसके बाद भाई ये जो सीन आता है जिसमें एडी ब्रॉक टक्सीडो पहन लेता है भाई काफी तगड़ा लगता है। इसमें भाई टॉम हार्डी का लुक भाई एक नंबर लगता है सीन में देखने में। जिसके बाद वो कैसीनो में एंट्री मारते हैं और थोड़ा बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन भाई वेनम उसे परेशान करके रख देता है। अब पूरी मूवी में वेनम और जो एडी ब्रॉक की केमिस्ट्री दिखाई गई है भाई काफी मजा आता है उसे देखने में काफी फन वे में दिखाई गई है। फिर उसी कैसीनो में एडी को लेडी चेन मिल जाती है जो कि वेनम को इनवाइट करती है अपने पेंट हाउस में ताकि वो थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले। नंबर 11 ऑल वेनम लैब सीन। अब मूवी के एंडिंग के टाइम पे जब वो एलियन लैब के अंदर घुस जाता है जहां पर सारे वेनम रखे होते हैं तब वो सारे वेनम बाहर आ जाते हैं और वो जो साइंटिस्ट होते हैं उन पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं और भाई जो एक से एक वेनम दिखाया जाता है और सबसे बड़ी बात वो मदद करते हैं भाई एडी ब्रॉक की उसको बाहर निकालने में और जो सारे वेनम उस एलियन से लड़ते हैं भाई यार काफी तगड़े तगड़े सीन लगते हैं देखने में और वेनम भी काफी तगड़े लगते हैं सारे के सारे वेनम तगड़े होते हैं उसमें। नंबर 10 वेनम द लास्ट डांस। अब जब वेनम लेडी चेन से मिलता है तो लेडी चेन कहती है कि उसके साथ एक डांस हो जाए तो एडी ब्रॉक वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि उसके साथ डांस कर सके लेडी चेन के साथ लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो एलियन होता है वो उन तक पहुंच जाता है। और सही बताऊं तो इसी सीन के बाद यहां से मूवी काफी ज्यादा तगड़ी लगती है देखने में तो शायद इसी वजह से इस डांस को भी मूवी का टाइटल दिया गया है वेनम द लास्ट डांस क्योंकि जो मूवी का मजा है वो इसी सीन के बाद से आने लगता है। नंबर 9 वेनम हॉर्स सीन। ये मुझे पर्सनली इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन लगा जहां पर एडी एक हॉर्स को देखता है और वो वेनम से कहता है क्या तू इसे हवा से भी तेज भगा सकता है क्या लगता है तुम्हें हवा की रफ्तार से दौड़ा सकते हो तो रिप्लाई में वेनम कहता है मैं इसे हवा हवाई बना दूं।
तरह से हवाई बना दूंगा। और भाई जब वेनम घोड़े पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो भाई क्या तगड़ा लगता है वो सीन देखने में, जिसके बाद वेनम उस घोड़े को इतनी तेज भगाता है कि एडी ब्रॉक भी डरने लग जाता है। तुम्हें हॉर्स वाला सीन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8, ऑल वेनम वर्सेस एलियन। मूवी के एंड में जैसा मैंने बताया है कि सारे के सारे जितने भी वेनम होते हैं, जितने भी सिम्बियोट होते हैं, वो एलियन से लड़ने लग जाते हैं, जो कि फाइट थोड़ी सी नहीं काफी लंबे टाइम तक दिखाई जाती है, जिसमें भाई एक एक वेनम का जो रोल दिखाया जाता है काफी परफेक्टली दिखाया जाता है। नंबर 7, वेनम फ्रॉग एंड वेनम फिश सीन। अब जब मिलिट्री वाले एडी ब्रॉक और वेनम के पीछे पड़ जाते हैं तो वेनम एडी ब्रॉक से थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है फिश में और फ्रॉग में, और ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन काफी तगड़े लगते हैं भाई। इस ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे याद आया, जब तुम मूवी के एंडिंग में देखोगे, जब हमें क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं तो हमें वेनम के कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए जाते हैं, जिसमें से कभी वो ग्लहरी बन जाता है तो कभी हाथी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रेडिट्स में जरूर देखना। ब्लैक एंड ग्रीन वेनम फाइट विद एलियन। अब एक सीन आता है जिसमें एडी को पता लगता है कि भाई ये एलियन नहीं रुक पाएंगे, जिसके बाद वो वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भाई उसका मदद करती है वो ग्रीन वाली वेनम। अब ये दोनों जो मिलकर उन एलियन से लड़ते हैं ना भाई, काफी तगड़ा लगता है ये सीन देखने में, पर्सनली बता रहा, जिसमें एडी ब्रॉक वेनम में ट्रांसफॉर्म होकर बाइक चलाता है और उन एलियंस को अपने पीछे बुला लेता है, और फिर उन सारे एलियंस को एक साइड ले जाके वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट भी कर देता है। नंबर 5, लाइटनिंग वेनम अपीयरेंस। मूवी के लास्ट में सारे वेनम दिखा दिए जाते हैं, लेकिन भाई एक सिम्बायोटिक ट्यूब के अंदर रह जाता है, जिसे एक साइंटिस्ट यूज करती है और भाई वो लाइटनिंग से भी तेज भागने लग जाती है। अब वैसे मेरा दोस्त कह रहा था, अब ये वाली जो वेनम बनी वो एक्चुअली में सीन में नहीं होती है, कॉमिक्स के हिसाब से ये वाली वेनम गोयन बनती है। अब ऐसा सोनी वालों ने क्यों किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इस सीन को देखने में काफी मजा आ जाता है और ये वाली वेनम काफी सेक्सी भी लगती है। नंबर 4, वेनम डेथ सीन। लास्ट में एडी ब्रॉक और वेनम को पता लग जाता है एलियन ऐसे नहीं रुकेंगे, इन्हें मारना पड़ेगा या फिर इनको अलग होना पड़ेगा, जिसके बाद वेनम डिसाइड कर लेता है एडी ब्रॉक को बचाने का और वो उन सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उन सारे एलियंस को अपने पास जकड़ लेता और भाई काफी बड़ा वाला वेनम बन जाता है एलियंस के द्वारा, जिसके बाद वो उन सारे एलियंस को एक एसिड के नीचे ले जाता है और मार देता है उस एसिड के द्वारा, जिसके साथ साथ वेनम खुद भी मर जाता है। अब ये सीन थोड़ा सा सैड लगता है देखने में और भाई काफी ज्यादा फील होता है कि वेनम और एडी ब्रॉक की जो केमिस्ट्री थी वो काफी प्यारी थी, और भाई जो एडी ब्रॉक के फेस पे एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं सैड वाले वो फील भी होते हैं ऑडियंस। इसी को कंटिन्यू करते हुए नंबर 3 पर आता है मेमोरी सॉन्ग फ्लैशबैक्स। अब तुमने मेमोरी सॉन्ग काफी बार सुना होगा इंस्टाग्राम पर या फिर पर्सनली भी तुमने यूट्यूब पर जाकर देखा होगा। इस सॉन्ग को चलाते हुए हमें एडी ब्रॉक और वेनम की केमिस्ट्री दिखाई जाती है पिछली मूवी से और वेनम 3 के अंदर से भी, जिसमें हमें उनके फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और दिखाया जाता है कितनी तगड़ी और कितना अच्छा बॉन्ड था इन दोनों के बीच। जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में बाय 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 सॉन्ग हिट हुआ था, ऐसे ही मेमोरी सॉन्ग भी इस वेनम 3 के बाद और भी ज्यादा हिट हो जाएगा, पहले से तो फेमस था ही। नंबर 2, वेनम 3 मिड क्रेडिट सीन। अब मिड क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि नल को कोडेक्स पता नहीं कैसे मिल गया था, जिसके बाद हमें पता लग जाता है कि नल अब जरूर आएगा, और भाई सच बता रहा मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि नल आना चाहिए भाई, काफी तगड़ा लगता है यार देखने में। ऐसे कैरेक्टर और विलन का तो हम वेट कर रहे थे काफी टाइम से कि भाई तगड़ा सा दिखाएं कुछ। वैसे मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि वेनम 3 के अंदर हमें नल से फाइट दिखाई जाएगी, लेकिन भाई हमें थोड़ा सा ही अपीयरेंस दिखाया गया था स्टार्टिंग में और मिड क्रेडिट सीन। नंबर 1, पोस्ट क्रेडिट सीन। अब सारी मूवी जब खत्म हो जाती है तो हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जिसमें हमें वो बारटेंडर दिखाया जाता है जो हमें शुरू में देखने को मिला था। उसी के नीचे जब हमें जूम करके दिखाया जाता है तो वहां पर एक सिम्बॉयट हिलता है, जो कि हमें ये क्लियर कर देता है कि भाई वेनम अभी नहीं मरा है, वो अभी जिंदा है एक अंश के द्वारा, जो कि हां आगे वेनम को कंटिन्यू करेगा, मतलब वेनम अभी नहीं मरा है। वैसा मेरा पर्सनली ये मानना है कि इन्हें ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, इन्हें ये दिखाना चाहिए था कि वेनम बिल्कुल मर चुका है, और जैसा कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था कि हमें वहां पर वेनम थोड़ा सा बचा हुआ दिख जाता है, तो अचानक से किसी मूवी के अंदर या फिर किसी सीन के अंदर हमें अचानक से वेनम का ट्रांसफॉर्म दिखाया जाता है उस सिम्बायट के द्वारा, जो कि देखने में काफी अनएक्सपेक्टेड और तगड़ा लगता भाई। लेकिन सोनी वालों ने खुद ही स्पॉइल कर दिया, उन्होंने दिखा दिया कि अभी हां वेनम जिंदा है, पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर दिखाया था, इसमें हमें कोई भी स्पाइडरमैन या कोई दूसरी मूवी से कैरेक्टर नहीं दिखाया गया, तो जितनी भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी मेरी तरह वो सारी खराब हो चुकी होगी। बाकी तुम्हारा वेनम मूवी के अंदर सबसे तगड़ा सीन कौन सा था कमेंट में जरूर बता के जाना। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट एडिटिंग से लेके हर चीज में, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। मूवी से रिलेटेड कंटेंट देखने में अगर मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं काफी तगड़ी तगड़ी वीडियोस लाने वाला हूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, टाटा बाय बाय।